कल हमने आपको सिखाया था लाभानी खाता बनाना, आज हम दोनों बनाएंगे। व्यापार खाता बनाना भी सीखेंगे और लाभानी खाता बनाना भी सीखेंगे। तो मैं सर सदारी लाल इंश्योरेंस, क्वेश्चन नंबर 5 ने तलपट प्रस्तुत किया है 31 मार्च 2014। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। प्रारंभिक रेती 6800 रुपये, क्रय 24,240, विक्रय 40,000, मजदूरी और वेतन 2800, स्टेशनरी 260, यात्रा व्यय 800 रुपये, किराया 240, प्राप्त कटौती 400 रुपये, क्रेडिट विक्रय वापसी 360 और किराया वापसी 300 और कारखाने का किराया 1000। तो देखते हैं, सबसे पहले वो उन मदों को हम लिखेंगे जो व्यापार खाते में आते हैं। तो सबसे पहले लिखा ओपनिंग स्टॉक 6800, तो डेबिट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक के बाद हम कह रहे हैं किराए को 24,240 इसी के जस्ट नीचे लिखते हैं टू परचेज परचेज में से परचेज माइनस करते हैं, बाद में करेंगे। सेल्स क्रेडिट आती है, क्रेडिट में लिखेंगे बाय सेल्स 40,000। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं। उसके बाद लिखा मजदूरी 2800 रुपये, थोड़ा एक लाइन छोड़ के लिखा है मजदूरी यानी वेजेस और छोड़ दे रहे हैं, जगह बना दे रहे हैं। तो वेजेस एंड सैलरी, अगर सैलरी पहले दिया तो लाभांश खाते में आएगा और वेजेस पहले दिया तो ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हम यहाँ ट्रेडिंग में लिख रहे थे 2800। स्टेशनरी हमारी जो लाभानी खाते की बात है, स्टेशनरी को हम लाभानी खाते में यानी नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं टू स्टेशनरी एस टी ए टी आई ओ एन टी आर वाई स्टेशनरी 260। इसके बाद हमारा है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस यानी यात्रा में, यात्रा व्यय चूंकि फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है तो लाभानी में आएगा। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एट हंड्रेड। इसके बाद है रेंट, रेंट भी हमारा ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है तो रेंट किराया 240। इसके बाद हमारा प्राप्त कटौती, चूंकि प्राप्त कटौती है, अगर कटौती होती तो डेबिट में आती, प्राप्त कटौती है तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में आएगा। डिस्काउंट रिसीव 400। इसके बाद दिया विक्रय वापसी, विक्रय को जैसे कि विक्रय में से माइनस करके सेल्स रिटर्न 360 माइनस करेंगे तो 39,640 रिमेनिंग बचेगा। परचेज को परचेज में से माइनस करेंगे, परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, परचेज रिटर्न 300 माइनस करेंगे 29,940। फैक्ट्री का किराया, तो फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग में आएगा, फैक्ट्री रेंट हमारा है 1000 फैक्ट्री रेंट। अंतिम बैच दिया 8636 का क्लोजिंग स्टॉक, सारी हमारी पूरी हो गई है। तो हम टोटल करेंगे, ये देखेंगे
4827 6 4827 6 क्रेडिट की टोटल में से डेबिट का टोटल हम माइनस करेंगे तो हम माइनस करते हैं, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ जाएगा 3, यहाँ 7 आएगा, अंदर आएगा इसका, चेक हो गया और आंसर मैच हो गया, यानी हमने सही बताया। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट का टोटल करके माइनस करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। इस आंसर को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, लॉस प्रॉफिट, यहाँ पे लिख दीजिए सीडी या ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। 13736 इसका टोटल करेंगे 6 3 1 14 1 4 1 3 6 आंसर निकालेंगे नेट प्रॉफिट। मोस्टली क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता है, यही चेक यही करके हम चेक करते हैं, यहाँ पे 0 या 6 चाहिए 6, 10 नीचे चाहिए 1, 10 11 12 13 13 एक 14 13 8 11 13 8 11 13 8 21 2 12 चेक हो गया हमारा आंसर सही है 12836 या नेट प्रॉफिट हो गया। ये हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो सबसे पहले ट्रेडिंग वाली कदर लिखते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे क्रेडिट में आता है, कुछ तो क्रेडिट मोस्टली कोई मदे आती है, अधिकतर मदे नहीं आती, और ऑल एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग के डेबिट में डालते हैं। ओपनिंग स्टॉक पहले आएगा, परचेज आएगा, उसके बाद फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट में आएंगे, और हमारा परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगा, घटाने के बाद बाहर लिख देंगे क्रेडिट का टोटल करेंगे, उस टोटल में से डेबिट के टोटल डालेंगे, घटाने के बाद जो आंसर आएगा जो शेष बचेगा उसे हम लिख देंगे सीधी क्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा क्रॉस प्रॉफिट है, इस क्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के बाद हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। सेम प्रोसीजर है, प्रॉफिट एंड लॉस की भी सारे ऑल एक्सपेंसेस का टोटल घटाने के बाद हमारा आंसर आएगा नेट प्रॉफिट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो डाउट हो वो आप मुझसे पूछिए।